क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि वेरीफाई दैट माइनस इनटू ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फार। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के सिचुएशन को, इस रेशनल नंबर को डाल के हम लोगों को राइट हैंड एलएचएस और आरएचएस को इक्वलाइज करना है ना, इक्वल करना है, ऐसा इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये होता है आपका प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, माइनस कर दीजिए है ना फर्स्ट में, और ब्रैकेट में क्या लेना है अपने को, माइनस 11/15 लेना है। तो देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 11/15, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 11/15 हो गया। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया ये। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या है, एक्स की जगह -13/17 है। तो इसको हम लोग एलएचएस में पुट करेंगे, यहाँ पे एलएचएस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को देखते हैं, तो माइनस है, तो ऑलरेडी इसमें -13/17 है, ठीक है ना। मैं खाली इसमें इसमें पुट कर रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 13/17 हो गया। किसका वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर में जो माइनस एक्स है उसका वैल्यू है ना, मतलब इसका वैल्यू। अब ये जो 13/17 के आगे में एक और माइनस है, तो इसको भी अपन पुट कर देते हैं। तो -13/17 हो जाएगा ये, इक्वल टू -13/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -13/17 क्या है, देखिए इसके लिए तो एक सही है, क्योंकि एक्स का वैल्यू -13/17 है, मतलब आरएचएस है। तो ये भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया, क्योंकि अपने को क्या लाना था कि जो एलएचएस में माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स को सॉल्व करके हम लोगों को राइट हैंड में प्लस माने एक्स का वैल्यू लाना था। तो यहाँ पे एक्स -13/17 है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया, एक्स का वैल्यू -13/17 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।